मैंने बुजुर्गों से सुना है कि नदी के उस पार परियों का मस्कन है, वो वितस्ता में नहाती हैं, और जब वितस्ता का मेला लगता है ना तो खूब तैरती नाचती और गाती रहती। हाँ पदम जी, सुना तो हमने भी है,
मगर शायद शायद ये कोई परिजात ही है। तो फिर ऐसी सूरत में खुले आसमान के नीचे रहना मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल से शामियाने के अंदर रहना ही ठीक रहेगा। मगर क्यों, खुले आसमान के नीचे खतरा है क्या? उस्ताद करीमदान साहब, आपको तो मुझसे ज्यादा तजुर्बा है। हमें खतरा है कि कहीं हमें परियों की नजर ना लगे। अरे बिरादर हमजा, ऐसे ही अपनी तकदीर कहाँ, और फिर इसमें खतरा ही क्या है? सुना है कि परियों की नजर लगने से आदमी दीवाना हो जाता है। अरे भाई, आपको अब भी शक है कि हम अभी तक दीवाना नहीं हुए हैं? खामोश, वो गाना सुनो। सुनो वो गाना। आज से पहले हमने ऐसी दिल पजीर आवाज कभी भी नहीं सुनी और ना ही इसका तसव्वुर किया है। उस्ताद, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्ताद, लगता है घोड़े भी गाना सुनकर मस्त हो रहे हैं। हाँ भाई, बेचारे घोड़े, क्या मालूम कोई जिन दौड़ रहे हो और हमें हमें घोड़ों की चाप सुनाई दे रही हो। कहते हैं ना कि परियों की हिफाजत के लिए जिन भी उनके आसपास ही रहते हैं। क्या मालूम आज ना जाने क्या गजब होगा। उस्ताद, उस्ताद रुकिए, तो परी की चाल होगी, वो हमें नदी में डुबो देगी। उस्ताद करीमदान, वापिस आ जाइए, आगे खतरा है। उस्ताद जरा अक्ल से काम लीजिएगा। उस्ताद वापिस आ जाइए। उस्ताद वापिस आ जाइए। उस्ताद वापिस आ जाइए। अरे कमज़रफ़ो, अरे बेमुरव्वतो, जरा पास तो आओ। ये कोई परीजाद नहीं है, ये तो उससे भी ज्यादा कहीं ऊंची जात की लड़की है। इतने पर ये करो कि सामने से शाही हकीम को बुलाकर ले आओ और उन्हें कहो कि मैं बुला रहा हूँ, लेकिन फौरन। आपको अकेला भी नहीं छोड़ सकते, और कहीं आपकी जान को खतरा लाहौक हो तो। खतरा खतरा खतरा, अरे भाई कोई खतरा नहीं है। तुम लोग जल्दी जाकर कहो, ये देखो हमारे कश्मीर की ये आवाज कहीं टूट ना जाए। जाओ फौरन जाओ और बुला कर ले आओ। उस्ताद, उस्ताद जैसी आपकी मर्जी। उस्ताद पदमजू, हाँ। आप यहीं पे रहिएगा, ठीक है? मैं हकीम बाबा को बुला कर लाता हूँ फौरन।
घबराइए नहीं, खतरे वाली कोई बात नहीं। उस्ताद करीमदान, कौन है ये लड़की, क्या नाम है इसका? हकीम बाबा, मैं क्या जानूं ये कौन है, ये तो सिर्फ एक आवाज है और हमारे लिए तो इसका नाम भी सिर्फ आवाज ही है। आवाज? मैं कुछ समझा नहीं, फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये मरते मरते बच गई है, लेकिन इसकी हालत बहुत नाजुक है, इसे शामियाने में ले जाना होगा, मुमकिन है वहीं इसका कुछ इलाज निकला है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है अल्लाह का। तो ठीक है हकीम बाबा, हम इसे शामियाने में ले चलते हैं। चलिए चलिए ले चलते हैं। जान बख्शी हो तो अर्ज करो। क्या है यहाँ पर, क्या तुम्हें कोई गाना सुनाई दे रहा है जो चारों तरफ इन जंगलों और पहाड़ों में गूंज रहा है? आलीजा इस लंबे सफर और भाग दौड़ से थके थके से लगते हैं। आलीजा को आराम की सख्त जरूरत है। मेरे सवालों का जवाब दो यहाँ पर, क्या तुम्हें कोई गाना सुनाई दे रहा है इस वक्त? कौन सा गाना आलीजा, यहाँ पर चारों तरफ खामोशी ही खामोशी है। मेरी अर्ज पर गौर फरमाइए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। आराम, आराम हमारे नसीब में नहीं आया भट्ट। आलीजा, आहत भट्ट, हम सफर से नहीं अपने नाकामियों के गम से थक चुके हैं और तुम जानते हो कि नाकामियों से मुझे सख्त नफरत है। आज तक मुझे नाकामियों का कोई तजुर्बा भी न था। खुदावंद तुम्हें जलेलाही को नाकामियों से महफूज रखे, ऐसी बात नहीं है आलमपना। कई रोज से हजूर सैर सपाटे में घोड़े दौड़ा रहे हैं, न खाने का गम है न पीने का। आप तो दारुल खिलाफा के इंतजामी मुराद से कुछ रोज दूर रहकर आराम करने आए थे, मगर यहाँ यहाँ तो हजूर ने आराम किया ही नहीं। क्या बताए हाथ भट्ट, हमारा खाना पीना आराम सब इस जानलेवा आवाज ने हराम कर दिया। जलेलाही, हम सब आपसे ही तो हौसला रखना सीखते हैं, मगर आज खैर, मेरे ख्याल में हजूर शायद जरूरत से ज्यादा उस आवाज की तरफ माइल है। आप तो जानते हैं सारा कश्मीर खूब से खूब तर आवाजों का मस्किन है। गुलाम को हुक्म दें, एक से बढ़कर एक आवाज हजूर के कदमों में सर झुकाएगी। मैं समझ कहूँ भट्ट, कश्मीर की एक एक आवाज मेरे रूह की आवाज है, तभी तो कई साल तक मुगलों के साथ बरसरे पैकार हूं, मैं इन सब आवाजों का पासबा हूं। जब तक मेरी सांस बाकी है कश्मीर की इन आवाजों को महफूज रखूंगा, लेकिन यह आवाज कुछ अजीब है, दर्द की आवाज है। हम तुम्हें बता दें आहत भट्ट, यह आवाज हमें ढूंढ रही है। जिल्लाही, अगर यह बात है तो मुझे पूरा यकीन है कि वह हजूर की कदम बोसी के लिए खुद जरूर चली आएगी। नहीं, ऐसा मत कहो आहत भट्ट, हम इस आवाज की तौहीन नहीं कर सकते, हमारी तलाश जारी रहेगी, तभी तो हमें अपनी मंजिल मिलेगी। तेरे दर
अलीजा, हाँ? काफी रात गुजर चुकी है, अब आपको खेमे में चल के आराम करना चाहिए। कितनी बार कहा है आहत भट्ट, खेमे में आराम करने से बेहतर इस आवाज की बेकरारी अच्छी है। तुम कहते हो तो सुनी तुम्हें आवाज, ये आवाज सुनी तुमने? आलीजा, एक और रात बीत गई, देखिए तो फट रही है। अब हम अपने खीमे के पास पहुंच रहे हैं, वहां उस्ताद क्रीमदान और उनके मुसीकार हजूर का इंतजार कर रहे हैं। क्यों ना थोड़ी देर के लिए मसीकी सुनी जाए? हाँ दुरुस्त है, चलो वहीं चलते हैं। आलम पना। और बताइए हकीम साहब, जब वो होश में आई तो क्या कहा उसने? हजूर, होश में आते ही उस महजबीन ने बड़ी बेकरारी से पूछा कि वो कहाँ है, और जारो कतार रो पड़ी। बेटी मत रो, मत रो बेटी। मुझे मरने क्यों नहीं दिया गया? मुझे मेरे हाथ पर क्यों नहीं छोड़ा? घबराओ नहीं लड़की, आग शाही शामियाने में है, मैंने दवाई दे दी है, आप जल्द सेहतियाब हो जाओगे। बेटी तुम्हें पता है खुदकुशी करना एक गुनाह है। लड़की आप हमें अपने घर का पता बताओ, आप हम सब की बेटी जैसी हैं, हम आपको हिफाजत के साथ घर तक पहुंचा दें। और मुमकिन है हम तुम्हारे दुखों का इलाज भी कर सकेंगे। हाँ बताओ, बताओ क्या दुख है? मुझे जाने दो, मैं बाबा के पास जाऊंगी, मैं बाबा के पास जाऊंगी। लेकिन वादा करो बेटी कि अब दोबारा खुदकुशी नहीं करोगी, बोलो बेटी वादा करो। मैं वादा करती हूँ। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बेटी रुक जाओ बेटी। करीमदान, मुनासिब यही है कि इसे अपने हाल पे छोड़ दो, उसका बाबा उसका इंतजार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो रात भर यहाँ रही और थोड़ी देर पहले चली गई, अभी तक क्यों नहीं बताया हमें? सिर्फ उसकी उसकी तारीफें सुनाते रहे।
किस तरफ गई है वो, हमें तो उसी की तलाश आप है। आप रखें आलीजा, हम अभी साथ के गांव में जाकर पूछ आते हैं। अब तो आपको यकीन हो गया कि वो परीजात नहीं आदमजात ही है। इत्मीनान रखें, इतनी बेकरारी मुनासिब नहीं। सब गवाह कहते हैं कि वो कोई परी थी और हवा हो गई। एक तुम हो जो कहते हो कि वो कोई आदमजात लड़की थी। जनाब, मैं जब अपने घर से बाहर निकला तो मैंने अपनी ही आंखों से उस लड़की को नदी के किनारे किनारे जाते हुए देखा। हजूर, बस मैं यही जानता हूं। क्या है? जिले इलाही, एक आदमी सवाली बनकर आया है। वो कहता है कि उसे उस लड़की के बारे में सब कुछ मालूम है। तो उन्हें अतराम के साथ अंदर लाया जाए। आइए महतरम, तशरीफ लाइए। तो आप क्या जानते हैं उस लड़की के बारे में? आली मकाम बादशाह सलामत, ये एक नाहित दर्दनाक कहानी। आप चाहें तो वो लड़की बर्बादी से बच सकती है। वो लड़की वो लड़की